श्रीराम भाइयों, कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बढ़िया होंगे और मौज ले रहे होंगे। तो भाई थंबनेल देख के आप समझ ही गए होंगे कि आज की वीडियो किस टॉपिक पे होने वाली है। तो आज की वीडियो होने वाली है बेस्ट एक्शन कैमरा इन 10,000। कुछ लोगों की मेरे पास DM भी आए थे इंस्टाग्राम पे कि भाई आप कौन सा कैमरा यूज़ करते हो, तो मैंने सोचा इस पर एक सेपरेट वीडियो बना दूँ। तो भाई काफ़ी लोग जो होते हैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने वाले हैं और जो सोच रहे हैं मोटो व्लॉगिंग स्टार्ट करने के लिए, भाई वो एक्शन कैमरा तो जाहिर सी बात है लेंगे ही। तो काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा एक्शन कैमरा बढ़िया रहेगा। तो भाई कुछ लोग होते हैं कि भाई चीपेस्ट कैमरा ले लेते हैं, फिर बाद में पछताते हैं। तो हालांकि ये जो कैमरा है ये भी चीप अमाउंट में है, ज़्यादा महंगा नहीं है और बेटर क्वालिटी में है। आ चुके हैं हम लोग घर और ये रहा अपना कैमरा SJ Cam Legend 6 जो मैंने खरीदा था Amazon से। इसकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जिसे जिसे खरीदना हो वहाँ से परचेस कर लेना। और मैं से एक मंथ अबव हो गया है मुझे यूज़ करो, उसकी क्वालिटी बहुत ही बढ़िया है। तो ये पैकेज मैं आपके सामने खोल रहा हूँ, वैसे ये खुला हुआ है एक मंथ मुझे हो गया। इसमें आपको मिल जाता है ये सब जो भी है भाई, और इस साइड आपको मिल जाता है कैमरा जो अपना कैमरा है मेन। तो अभी साइड में रखते हैं और देखते हैं इसमें क्या क्या मिलता है। और इस साइड आपको मिलता है डेटा केबल, एक चार्जिंग डेटा केबल, और ये इसको साफ़ करने का ये कुछ कपड़ा है। तो ये सारा सामान है भाई जो हमें मिलता है SJ Cam Legend 6 के साथ। और ये अप्रॉक्स 10,000 में आता है, जो बेस्ट कैमरा आता है भाई, अब तक का बेस्ट कैमरा लगा मुझे। क्योंकि भाई इससे पहले भी मैंने 2 कैमरे यूज़ करे हैं, खुद के नहीं, वो मेरे फ्रेंड्स के हैं, बट मैंने यूज़ करे हैं 10 to 12 days, बट मुझमें उसमें वो क्वालिटी नहीं थी भाई जो इसमें क्वालिटी है। इसमें आपको नॉइस कैंसिलेशन भी मिल जाता जो कि बहुत अच्छा है इसका। काफ़ी हद तक आपने देखी होंगी मेरी वीडियोस, तो उसमें काफ़ी अच्छी क्वालिटी का साउंड आ जाता है इसमें। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अपना मोटो व्लॉगिंग सेटअप। आपने ये सब तो कैमरा देख लिया, मैं दिखाता हूँ कि मैंने अपने हेलमेट में कैसा सेटअप कर रखा है इसका। तो चलते हैं हेलमेट की साइड। भाई ये लगवा रखा है मैंने हेलमेट में M-Seal के साथ, ये देख सकते हो आप, इधर M-Seal है। और मैंने जो लगवा रखा है वो है ये SJ Cam के साथ ही आता भाई, 2-3 पेयर आपको मिल जाएंगे इसके। तो ये चीज़ है जो मैंने यहाँ लगवा रखी है यहाँ पर। और ये जो है ये इसके साथ, ये भी इसी के साथ आता है, क्लैंप आता है वो, ये आपको मिल जाएगा, ये भी SJ Cam के साथ ही मिल जाएगा आपको। तो ये सब मैंने लगा रखा है। और ये रहा अपना कैमरा। तो भाई इसके साथ जो 2 केस आते हैं, एक वाटरप्रूफ वाला केस आता है और एक आता है आपका नॉर्मली। तो भाई मैं ये वाला यूज़ करता हूँ क्योंकि इसमें यार आपको ऑडियो आराम से आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, बट इसमें आपकी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं होती है। तो इस बात का ज़रूर ध्यान रखें आप जो भी कैमरा यूज़ करते हैं। तो मैं इसमें ये कुछ इस तरीके से करता हूँ, थोड़ा देखना पड़ता है, लग जा भाई, ये थोड़ी दिक्कत कर रहा है लगने में अभी, क्योंकि मैंने इसे काफ़ी टाइम बाद निकाला है। तो ये लग गया, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा आपको, साइड से, इधर से, उधर से। तो एक तो ये क्लिप है, ये यहाँ से यहाँ पे फंसाना पड़ता है, मैं दिखा देता हूँ, ये यहाँ लग चुका है और यहाँ से ये नीचे मैं इसे लगा देता हूँ। तो ये लग गया मेरा हेलमेट में। तो कुछ इस तरीके से मैंने ये कर रखा है सेटअप यहाँ का। तो बहुत ईजिली ये बैंड भी हो जाता है आराम से, अगर नीचे का कुछ लेना हो, और ऊपर से आराम से एडजस्टेबल है पूरा का पूरा। और उसकी क्वालिटी मैं आपको दिखाता हूँ अभी। आइए आ चुके हम राइड पे, और अब जो फुटेज आप देख रहे हो ये है 2K रेजोल्यूशन 30 FPS पे। तो भाई मैं आपको 2 ही इसके फोटोज दिखाऊंगा, 2K और 4K, क्योंकि यार इससे नीचे तो आप यूज़ करोगे नहीं और मेरे को दिखाने का फ़ायदा भी नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादा बेटर भी नहीं है। तो अभी हो रही है भाई धूप और काफ़ी अच्छा जो है रिज़ल्ट यहाँ पे निकलेगा। तो मुझे नहीं पता, मैं जब एडिटिंग करूँगा वीडियो तभी पता चलेगा कि कैसा रिज़ल्ट है। और जो मैं भाई रिकमेंड करूँगा आपको कि 2K पे ही करें, क्योंकि भाई 4K अच्छा है बट इतना अच्छा नहीं है, मुझे ज़्यादा अच्छा नहीं लगा पर्सनली। तो मैं 2K से ही रेजोल्यूशन, 2K रेजोल्यूशन से ही करता हूँ वीडियो शूट। ओहो, तो ये रहा आपका 2K रेजोल्यूशन। और अब जो आप देखने वाले हैं वो होगा 4K रेजोल्यूशन। और अब जो आप ये फुटेज देख रहे हैं ये है 4K रेजोल्यूशन 24 FPS पे। तो कुछ इस तरह का रेजोल्यूशन मिलता है आपको 4K रेजोल्यूशन में।
तो ये थी कैमरे की दो फुटेज, दो मैंने आपको दिखाई है 2K एंड 4K। तो दोनों में से जो आपको बढ़िया लगे आप वो यूज़ कर सकते हो, बट मुझे पर्सनली तो 2K रेजोल्यूशन काफ़ी अच्छी लगी, उसकी पिक्सल्स क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और मोशन क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। आई होप मैंने सब कुछ कवर कर लिया होगा, और अगर कुछ रह गया होगा तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो चीज़ आपको बता दूँगा। तो कैसी लगी वीडियो, अच्छी लगी तो भाई सब्सक्राइब कर दे अपने भाई के चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाबा टेक केयर। ये अंकल मुझे देख रहे हैं, पता नहीं खा जाएंगे शायद, तो मिलते हैं, बाय बाय।